ट्रेन की टिकट बुक करते हुए अक्सर जल्दबाजी में हम ये गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ सकता है, और ये सीख देता है हाल ही में हुआ उड़ीसा में ट्रेन हादसा। तो क्या गलती हम करते हैं? जब भी हम IRCTC से कोई ट्रेन बुक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसे हम जल्दबाजी में स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और वो होता है इंश्योरेंस का। इस इंश्योरेंस के सिर्फ और सिर्फ 35 पैसे लगते हैं, और इस 35 पैसे में हमें मिलता है 10,000 से 10,00,000 तक का इंश्योरेंस। लेकिन अगर यात्री ने इंश्योरेंस किया हुआ है, मतलब टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस लिया है, लेकिन परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कोई भी हादसा हो जाने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप यात्री की ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, क्योंकि टिकट बुक करने के बाद तुरंत इंश्योरेंस की जानकारी ईमेल पर ही आती है। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो IRCTC के टोल फ्री नंबर पर PNR नंबर बताकर आप वो इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी चेक कर सकते हैं, उस पे भी ये जानकारी भेजी जाती है। अब इसे क्लेम कहां पर करना है, तो इसके लिए दो कंपनीज हैं, एक SBI लाइफ इंश्योरेंस, एक लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों में से किसी भी कंपनी के नजदीकी ऑफिस में जाके आप अपने इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, उड़ीसा के ट्रेन हादसे में बहुत सारे परिवार शिकार हुए हैं, क्या पता ये जानकारी किसके काम आ जाए।